आज का दिन जहां अपने आप में ही बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जहां आज सुबह जवानों ने अपने कौशल और शक्ति का प्रदर्शन कर देश की आन बान और शान को दर्शाया, कैसे वो हमारे देश की रक्षा कर हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। और वहीं दोपहर होते होते गणतंत्र दिवस की मर्यादा को आज किसानों के भेष में कुछ उपद्रवियों ने कुचल कर रख दिया। पहले खबर आई कि किसानों और पुलिस के बीच सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर झड़प हो गई। पुलिस के लगाए बैरिगेट्स को नाले में फेंक दिया गया, जिसको लेकर प्रशासन भी तेजी में आ गया और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किसानों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे तस्वीरें और ज्यादा भयावह होती गई। कहीं बस पलटी गई तो कहीं लाठी डंडे चले। किसानों ने पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ा और सब कुछ तहस नहस कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ये किसान ही थे या फिर उपद्रवियों के भेष में कोई और, जिसने किसान आंदोलन को आज बदनाम कर ही दिया। कहीं सड़कों पर तेजी से पुलिस की तरफ लहराते ट्रैक्टर नजर आए तो कहीं पुलिस की लाठी से पिटते किसान। अगर ये आंदोलन है तो साथ ही ये लोकतंत्र की हत्या भी है। हद तो तब हो गई जब किसान लाल किला परिसर पर पहुंचे और लाल किले का घेराव कर डाला, और जहां कुछ देर पहले देश का तिरंगा लहरा रहा था, वहीं किसानों ने तिरंगे को हटाकर अपना झंडा लगा दिया। गणतंत्र दिवस पर कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान का संयम का बांध टूट गया और अपने रूट से भटकते हुए दिल्ली में लाल किले पर चढ़ाई कर डाली। तमाम कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली पुलिस किसानों को लाल किले तक ट्रैक्टर लाने में रोक नहीं पाई। आज किसानों ने वहां पर जाकर अपना झंडा फहरा दिया जहां पर 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। पिछले 1 महीने से किसान कह रहे थे, हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च करेंगे, जिस पर सरकार ने भी जैसे तैसे शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। मगर जिस बात का डर था आज वही हुआ। लाल किले को कुछ दिन पहले हुए अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरह हमला कर दर्शा दिया गया। ये देखिए, जहां आज का दिन जवानों को नमन करने का होता है, वहीं आज जवान कैसे रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है। जी हाँ, आप और हमारी तरह उसे भी इसी प्रकार गुस्सा आ रहा होगा, मगर वो इन प्रदर्शनकारियों से लाचार है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों के पास हाथ में दिख रहे लाठी डंडे और लहराती तलवारें आई कहां से? क्या किसानों की यही रणनीति थी, या फिर ये किसान के रूप में कोई और ही थे? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कहां हैं वो किसान महिलाएं और नौजवान जो आज ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने वाले थे? कहां हैं वो लोग जो आंदोलन के जरिए अपना हक मांग रहे थे और कह रहे थे, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे? लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर गईं। मानो ये तस्वीरें ये कह गईं कि पहले से ही ये किसानों की रणनीति थी जो आज आंदोलन का ये रूप देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।